आप लोग को सुरेंद्र टेक स्टडी में स्वागत है। विषय एक बार नया टॉपिक है, कंप्लीट ब्लड काउंट कैलकुलेशन फॉर्मूला एंड नॉर्मल वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखिए सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीबीसी का पैरामीटर कितना होता है। सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, सीबीसी का पैरामीटर, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का कितना पैरामीटर। तो कंप्लीट ब्लड काउंट का पैरामीटर जो होता है, देख लीजिए, इसमें सबसे पहले आता है डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी में हम लोग बोलते हैं टीएलसी आता है, टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? टोटल ल्यूको साइट काउंट, टोटल लिकोसाइट काउंट होता है। सबसे पहले देखिए टोटल लिकोसाइट काउंट जो होता है हम लोग के ब्लड में जो होता है प्रेजेंट होता है, वो होता है 4000 से लेके कितना होता है 11000, 4000 से 11000 सी यू पर एमएम, इतना जो हम लोग को क्या होता है नॉर्मल वैल्यू होता है हम लोग को ब्लड में। दूसरा होता है हम लोग के पास होता है डीएलसी। डीएलसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट होता है। डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में दो सेल होता है हम लोग के पास। दो सेल कौन कौन आता है? तो देखिए दो सेल होता है यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट। क्या होता है? ग्रैनुलोसाइट। और दूसरा आता है ए ग्रैनुलोसाइट। अब यहाँ देखिए ग्रैनुलोसाइट में क्या होता है, ए ग्रैनुलोसाइट में क्या होता है। देखो ग्रैनुलोसाइट में जो होता है जिसमें क्या होता है ग्रैनुल्स, इसमें क्या होता है ग्रैनुल्स, क्या होता है इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है। ग्रैनुल्स जो प्रेजेंट होता है, जैसे देखिए कौन कौन होगा, जैसे आप देखिए सबसे पहले न्यूट्रोफिल, क्या होगा न्यूट्रो, इसमें होगा न्यूट्रोफिल, उसके बाद होगा इसनोफिल, उसके बाद होता है इसनोफिल होगा, उसके बाद आ जाएगा इसमें बेसोफिल, इसमें क्या आ जाएगा बेसोफिल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो आपको क्या लिखा, जिसमें लगा लास्ट में जो फिलफी लगा, लास्ट में जो फिलफी लगा इसे पकड़ लेंगे कि क्या है ग्रैनुलोसाइट, जिसमें क्या होगा इसमें लोब होगा, लोब प्रेजेंट होगा, और क्या होगा लोब में क्या होगा ऐसे ग्रैनुल्स क्या होगा उसमें प्रेजेंट होगा। ए ग्रैनुल्स में क्या होगा, ए ग्रैनुल्स में दो सेल आता है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक आता है क्या लिम्फोसाइट, एक आता है लिम्फोसाइट, और दूसरा आता है मोनोसाइट, दूसरा आता है क्या मोनोसाइट आता है। इसमें देखिए इसमें लोब जो होता है रहेगा, इसमें क्या होगा ग्रैनुल्स क्या होगा अबसेंट रहेगा, ग्रैनुल्स क्या होगा अबसेंट रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नॉर्मल वैल्यू, ग्रैनुलो और ए ग्रैनुलो का देख लेते हैं हम लोग सेल, और उसका नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताएं कौन सा सेल, ग्रैनुलो, कौन सा बताएं ग्रैनुलोसाइट बताए थे ना, ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में देखिए ओवरऑल तीन सेल आता है, कौन कौन सेल आता है ओवरऑल तीन सेल आता है। तो तीन सेल कौन कौन आता है, तो देखिए सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल, क्या आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो नॉर्मल वैल्यू होता है 45 से 75% होता है। उसके बाद इसनोफिल, उसके बाद क्या होगा इसनोफिल जो होता है नॉर्मल वैल्यू इसका होता है 1 से लेके 6% होता है इसनोफिल। उसके बाद आ जाता है बेसोफिल, उसके बाद क्या होता है बेसोफिल आता है, तो बेसोफिल होता है 0 से 0.1% होता है आपका बेसोफिल। उसके बाद हम लोग आ जाता है कौन सा सेल है, उसके बाद सेल आ जाता है ग्रैनुलोसाइट, उसके बाद होता है ए ग्रैनुलोसाइट, क्या होता है ए ग्रैनुलोसाइट आता है। ए ग्रैनुलोसाइट में दो सेल आ गया, एक आ गया लिम्फोसाइट, क्या हो गया इसमें आ गया लिम्फोसाइट, और दूसरा हो गया मोनोसाइट, दूसरा हो गया क्या मोनोसाइट होगा। तो लिम्फोसाइट जो होता है 45% होता है, और मोनोसाइट जो होता है 1 से लेकर
8% होता है मोनोसाइट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन पे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेल है HB। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। HB का मतलब क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मेल का नॉर्मल वैल्यू, मेल के लिए नॉर्मल वैल्यू अलग होता है और फीमेल का नॉर्मल वैल्यू, फीमेल का नॉर्मल वैल्यू अलग होता है। तो मेल का नॉर्मल वैल्यू जो होता है आपका 13.5 से लेके कितना होता है 13.5 टू 16.5 ग्राम पर डीएल होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो होता है इसके लिए होता है 12.5 टू होता है 15.5 ग्राम पर डीएल हो गया। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है। उसके बाद आता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में भी जो होता है, रेड ब्लड सेल में भी इसमें भी मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल। तो मेल का जो होता है आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 5.8 मिलियन पर CUMM होता है, CU पर MM होता है, क्या होता है मेल में। और फीमेल में जो होता है 3.5 से लेकर कितना 4.8 मिलियन पर CUMM होता है। ये आरबीसी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेटलेट काउंट। उसके बाद क्या देखते हैं? प्लेटलेट्स काउंट बोलते हैं। प्लेटलेट्स काउंट का दूसरा नाम होता है, बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी एच आर का मतलब होता है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट होता है। तो ये होता है प्लेटलेट जो 1.50 टू कितना होता है 4.50 लाख्स, इतना होता है प्लेटलेट काउंट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट देखिए अब आ जाए यहाँ पे रेड सेल इंडिसेस होता है, यानी कि अब आ जाता इधर जो गया क्या होता है रेड सेल इंडिसेस। रेड सेल इंडिसेस में जो सेल आता है यहाँ पर देखिए कौन कौन आता है। पहला आता है PCV, उसके बाद होता है PCV के बाद आता है MCV, उसके बाद होता है MCH, उसके बाद होता है MCSC, उसके बाद होता है MCSC। PCV का फुल फॉर्म होता है पैक सेल वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म होता है पैक सेल वॉल्यूम होता है। पैक सेल क्या होता है? पैक सेल वॉल्यूम होता है। पैक सेल वॉल्यूम जो होता है 34 से 48 यानी 34 से लेकर क्या होता है 48% क्या होता है पैक सेल वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं MCV। MCV जो होता है मीन सेल वॉल्यूम होता है। ये होता है 80 से 96 FL। FL का मतलब होता है हीमेटोलीटर। इसका मतलब है हीमेटोलीटर होता है। ये होता है मीन सेल वॉल्यूम। MCH का मतलब मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये जो होता है 28 से लेके 32 क्या होता है PG। PG का मतलब होता है फैगोग्राम। PG का मतलब फैगोग्राम होता है। MCSC इसका मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन होता है। ये जो होता है 32 से 38% होता है। 38 क्या होता है? ये होता है ग्राम पर डीएल में। एक सेल रेड सेल इंडिसेस में और होता है जिसको बोलता है आरडीडब्ल्यूसीबी। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 1.2 से लेके क्या होता है 13.8। ये क्या होता है? ये होता है परसेंटेज में। और ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक कैलकुलेशन फार्मूला। जितना हम लोग अभी देखे हैं तो इसमें एक रेट से इंडिसेस होता है जिसका कैलकुलेशन फार्मूला होता है। इसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं रेट से इंडिसेस का क्या होता है कैलकुलेशन फार्मूला होता है। कैलकुलेशन क्या होता है फार्मूला होता है। रेट सेल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले देखिए कि इसमें हमको रेड सेल इंडिसेस निकालने के लिए सबसे पहले हमको
हीमोग्लोबिन का जरूरत पड़ता है, क्या पड़ता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हम लोग एक नॉर्मल ले लेते हैं 14.6 ग्राम पर डीएल। 14.6 ग्राम बराबर होता है आपको 100%, यानी 99.86% था, 86, यानी कि ओवरऑल मान लीजिए ओवरऑल कितना था, 100%। ओवरऑल क्या होता है, 100% होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि क्या होता है, आरबीसी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मूला होता है कि एचबी यानी हीमोग्लोबिन इनटू 0.35। इससे कैलकुलेशन क्या करेंगे तो हम लोग को आरबीसी निकला। जैसे मान लिया कि यहाँ पे है 90, यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन लेने कितना 14 पॉइंट क्या लिखे हैं, 6 लिया, तो 14.6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 तो इसमें ओवरऑल जो आएगा आरबीसी जो आएगा कितना आएगा, 5.11 आएगा, यानी कि 5.11 आएगा। 5.11 नहीं लेके आरबीसी हम लोग ओवरऑल मान लेंगे 5 मिलियन पर सीएमएम। दूसरा जो आता है आपको निकालना है पीसीवी। दूसरा क्या निकालना है, पीसीवी यानी पैक्सेल वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है एचबी इंटू 0.35, यानी एचबी इंटू 0.0 नहीं, इसका होता है 3.3 होता है। तो इसका जैसे मान लें कि यहाँ पे पीसीवी निकालना था, हीमोग्लोबिन आपका कितना है 14.6 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 से, तो ये लगभग जो आएगा ये आएगा 48%, यानी कितना आएगा 48%, ये क्या होगा, पीसीवी होगा। उसके बाद आता है एमसीवी, उसके बाद आता है एमसीवी, एमसीवी यानी मीन सेल वॉल्यूम। एमसीवी का फॉर्मूला है पीसीवी इंटू टेन बटा क्या होता है आरबीसी। अब इसमें फॉर्मूला बैठा दिए, तो पीसीवी आप कितना था, 48 था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आरबीसी, तो आरबीसी कितना है 5.0 है। तो ओवरऑल कट के जो आपका एमसीवी होगा लगभग 96% आएगा, कितना आएगा 96 आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हम लोग को एमसीएच। एमसीएच जो है इसका फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन इंटू 10 बटा आरबीसी, क्या था, हीमोग्लोबिन इंटू 10 बटा क्या है आरबीसी है, यानी हीमोग्लोबिन है कितना 14.6 इंटू कितना है 10 बटा आरबीसी, आप कितना लिया 5.0 लिया है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई काट कुट करेंगे एमसीएच का तो ओवरऑल कितना आएगा 29.2 आएगा, 29.2 आएगा। अब नेक्स्ट है एमसीएसई। एमसीएसई मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसके लिए फॉर्मूला है एचबी इंटू 100, यानी एचबी इंटू 100 बटा क्या है पीसीबी, पीसीबी। तो इसका फॉर्मूला बेटा है तो एचबी कितना है 14.6 है, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से और डिवाइड करना है पीसीबी, तो पीसीबी कितना है 48% आया है। इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमको मिलेगा कितना 30.4 ओवरऑल क्या नहीं एमसीएच का मीन सेल कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का निकलेगा। चलिए हो गया हम लोग को नॉर्मल वैल्यू भी हो गया और इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला भी हो गया। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर हम लोग नया वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं।